वेलकम टू रोबस्ट न्यूज। रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। ये आपको जो खबर बता रहे हैं, ये खबर विभिन्न स्रोतों से इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, कई कई तरह के माध्यम से और एक्सपीरियंस से लिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया दें। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वार को आपने ज़रूर देखा होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार को आपने भी यूट्यूब में ज़रूर देखा होगा, और दुनिया में लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा किनको किनको होता है और कैसे होता है, आज हम इसी पे बात करेंगे। तो अभी कुछ देश ऐसे हैं जो हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है, उसके वो अपने देश का देश में सिर्फ और सिर्फ हथियार ही तैयार करते हैं, और उन्हें ग्राहकों की आवश्यकता होती है कि वो कोई ग्राहक मिले और बस उसका हथियार खरीद ले। मरने वाला कौन है, मारने वाला कौन है, कौन मर रहा, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। अब चलिए, ऐसे लोग, ऐसे देश हैं जहां इस तरीके की स्थिति है, वो ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो संवैधानिक तरीके से हो या लीगल तरीके से हो या इलीगल तरीके से हो, किसी भी तरीके से वो अपना हथियार बेच रहे हैं। अब चलिए, ऐसे देश का जो इस तरीके का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, जहाँ भूखमरी है, गरीबी है, अशिक्षा है, खेती बाड़ी से गुजारा कर रहे हैं, लोन लेके गुजारा कर रहे हैं, जिस देश की जनता लोन, भूखमरी, गरीबी और किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो लोग को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। वो खेती ही पर दिमाग लगाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, यूरोप में ज़मीन बहुत कम है, लेकिन वहाँ 250 एक आदमी जितना, एक लेबर जितना काम करता है, इंडिया में 250 लेबर उतना काम करता है एक दिन में जितना वहाँ का एक दिन का लेबर, यूरोप में एक लेबर जितना कमाता है एक दिन में, उतना लेबर इंडिया में 250 लेबर काम करता है तब जाके कमाता है। तो आप कितना कंपेयर है कि इंडिया में 250 लेबर काम कर रहा है तो यूरोप में एक दिन लेबर, एक दिन में जितना कमाता है उतना इनकम हो जाता है। तो दोस्तों, यूरोप के पास अपना ज़मीन नहीं है, बहुत कम ही ज़मीन है, लेकिन उसने टेक्नोलॉजी में, तकनीक में इतना विकास किया है कि वो काफ़ी हाई लेवल, हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का भोजन करता है, खाना खाता है, बहुत अच्छा जीवन जीता है, लेकिन उसके पास ज़मीन काफ़ी कम है। और कुछ देश ऐसे हैं जिसका बाप दादा ने ज़मीन ख़रीदा और उसके बेटे लोग, पोते लोग बैठ बैठ के उसी ज़मीन को, ज़मीन पे खेती उगा रहे हैं, खा रहे हैं, और वो ज़मीन के पीछे ही पड़े हुए हैं, और बाप दादे की ज़मीन में बैठ करके खाते पीते और ऐश करते हुए कहते हैं कि मैं तो इतना ज़मीन वाला हूँ, उतना ज़मीन वाला हूँ। तो लंबी चौड़ी ज़मीन से तो आप बैठे बैठे खाने का आदत पकड़ सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप समझ लीजिए, कोई कुछ देश ऐसा है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेने से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वर्ल्ड में कुछ ऐसे देश हैं जो पूरे ट्रक बेच रहे हैं, पूरा ट्रक का ट्रक लोहा बेच रहे हैं। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 50,000 एक लाख में, और दूसरे कंट्री से 5 मोबाइल खरीद रहे हैं तो 1 लाख में। अब आप सोचिए, 5 मोबाइल आपको कितना स्पेस लग रहा है, उसमें कितना लोहा का यूज किया गया है, जो कि 5 मोबाइल का दाम 1 लाख है, और आप एक ट्रक लोहा भर के बेच रहे हैं तो 1 लाख रुपया नहीं लेते हैं। यानी कि वहाँ टेक्नोलॉजी है तो आपको काफ़ी कॉस्टली दे पे करना पड़ रहा है उसकी टेक्नोलॉजी का, और आप भर भर के दे रहे हैं ट्रक, उसका कोई कीमत नहीं है। यानी आज का ज़माने में टेक्नोलॉजी काफ़ी विकसित हो चुका है। और तो और दोस्तों, पहले लोग जाते थे अरब कंट्री, गल्फ कंट्री, कि चलो पेट्रोल है और पेट्रोल में कमाई है, और वाकई में जो लोगों को पेट्रोल था जिन जिन देशों में, वो लोग धनी थे। लेकिन अब पेट्रोल से ना चलने वाली गाड़ियां निकल रही है, सोलर लाइट वगैरह का यूज हो रहा है, अब इन
अमीर देशों को जो कि बाप दादा का या ये समझ लीजिए कि पेट्रोल बेच के पैसा कमा रहे थे, तो उनके भी बुरे दिन आ रहे हैं। कैसे? कि उनकी पेट्रोल के जगह अब उसका अल्टरनेट उपाय लोग यूज कर रहे हैं और साइंटिस्ट और साइंसदान लगे हुए हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो रिजर्व स्टॉक है यानी कि पेट्रोल है डीजल है इसका कम से कम खपत किया जाए। और ये कम से कम खपत करने से फिर आने वाले भविष्य में ऐसे देश फिर हाथ में कटोरा पकड़ने की स्थिति में आ जाएगा। जैसे कि आप देखते होंगे, गौर कीजिएगा कि कुछ कुछ कंट्री में भी हाल फिलहाल तेल का खोज हुआ है, लेकिन वहाँ तेल निकालने से पहले ही उस देश में काफ़ी जो एक्सपर्ट कंट्रीज है वो अपना सैनिक भेज चुका है या कुछ ना कुछ वहाँ लफड़े हो चुके हैं। जैसा कि एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, म्यांमार को ले लीजिए, पाकिस्तान का ग्वादर को ले लीजिए, ये सब जगह में पेट्रोल की खोज हो चुकी है लेकिन निकल नहीं रहा है। इसलिए नहीं निकल रहा है कि इन देशों का आर्थिक स्थिति भले बुरा हो लेकिन अब इन देशों की मानसिक स्थिति को भी चेंज किया जा रहा है। और चेंज कौन लोग कर रहे हैं वो आप समझ सकते हैं। कैसे? कि अब वहाँ जो पेट्रोल निकलेगा, पेट्रोल तो सब कोई देश तो नहीं निकाल रहा है, कुछ ही कंट्री निकाल रहा है। जैसे मान लीजिए अरब कंट्री, तो उसका पेट्रोल कौन निकाल के बेच रहा है? तो उन्हीं देश को ना फ़ायदा होगा। तो वो गिद्ध की तरह नज़र गड़ाए हुए हैं कि जिस देश में पेट्रोल निकल रहा और जो देश से निकलने वाला है वो देश से भी ना निकले और वहाँ उसकी मिलिट्री फौज पहुँच जाए और किसी तरह से उनका कब्जा हो जाए। तो ये मानसिकता चल रही है। अब रहा कि भाई आप अगर युद्ध करना चाहते हैं या आपका पड़ोसी युद्ध करना चाहता है तो उसको बार बार ये दिमाग में लगाना चाहिए कि हमारे देश में भूखमरी है, गरीबी है, किसान आत्महत्या कर रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी की स्थिति खराब है, स्कूल में 600 बच्चे हैं और एक टीचर हैं, 1500-2000 बच्चे हैं और दो चार टीचर हैं, ऐसी स्थिति में स्कूल को चलाया जा रहा है और दिन गुजारा जा रहा है। यानी अशिक्षा को शिक्षा में बदलने की कोशिश हो रही है लेकिन बहुत ही लो लेवल पे हो रही है, बहुत ही गिरे पड़े लेवल पे हो रही है। और दोस्तों, जब वर्ल्ड वार होता है तो उसमें गधा गंवार लोग ज़्यादा ही मरते हैं, क्योंकि जो लोग तेज तर्रार होते हैं उन्हें पता होता है कि क्या स्थिति होने वाली है और स्थिति का मौका का फ़ायदा उठा के वो काफ़ी दूर निकल जाता है और वो बच जाता है। आप फर्स्ट वर्ल्ड वार देखिए, सेकंड वर्ल्ड वार देखिए, कोई भी बड़ा बड़ा दिग्गज नेता मरा? नहीं मरा। मरा कौन? आम जनता गधा गंवार की तरह मर गया। तो आम जनता को या जनरल पब्लिक को चाहिए कि अपने बच्चों को हाई लेवल की टेक्नोलॉजी की पढ़ाई देनी चाहिए, ना कि थाली कटोरा और भात और दाल भात और खिचड़ी पे दिमाग लगा करके अपना बच्चों का भविष्य चौपट कर ले। इस पे दिमाग नहीं लगाना कर कुछ और दिमाग लगाए, युद्ध के बजाय शिक्षा पे दिमाग लगाया जाए, गरीबी के बजाय भुखमरी के बजाय इन चीज़ों को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी का व्यवस्था किया जाए। हम लोग टेक्नोलॉजी में इतने पीछे क्यों हैं इस पे सोच विचार किया जाए। हम युद्ध करें, दूसरे कंट्री से हथियार खरीदें और अपना देश को कंगाल करें और बाद में फिर वही देश वाले जो पैसे वाले हैं, जो टेक्नोलॉजी वाले हैं, वो आपस में लड़वा करके फिर उस ज़मीन को खाली करवा के फिर उस ज़मीन से पेट्रोल, सोना और कीमती चीज़ों को निकालें। जैसा कि एक देश है, आप मान लीजिए वो अफ़गानिस्तान, वहाँ ये चांदी का, तांबा वगैरह का, सोने का कुछ कुछ पहाड़ में और कुछ कुछ हीरे वगैरह का पहाड़ में कुछ कुछ सामान निकला, उस पर कई कई प्रकार से युद्ध लागू कर दिया गया और 20 साल तक लड़ाई 18 से 20 साल तक लड़ाई होने जा रही है।
तो कोई अपनी भूमि को यूं ही तो दे तो नहीं देगा फ्री में, वो आखिरी दम तक लड़ेगा, और आखिरी दम तक लड़ेगा, और जो बेचारे फौजी हैं वो बेचारा मरेगा। तो मर तो कोई नेता तो नहीं रहा है, बेचारे वो फौजी ही मर रहे हैं जो सीधे साधे हैं और जो नेताजी के कहने पे ही चल रहे हैं या उस देश के विशेष लोगों के कहने पे चल रहे हैं। तो दोस्तों हम किसी खास देश का नाम नहीं बता रहे हैं और ना ही मरने वाले का बता रहे हैं, नहीं, ये दुनिया की एक टेक्निक है। जस्ट लाइक आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका पड़ोसी गंवार है, ठीक है, आपका पड़ोसी गंवार है और आप अच्छे और तेज़ आदमी हैं, लेकिन वो आपसे लड़ने आ गया। आप भी अगर गुस्से में लड़ जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि उस गंवार को अकल आने लगता है, वो फिर आपको देखिएगा बहुत तरह का केस में दांव पाइश में डाल देगा और आपका पसीना छुड़ा देगा। कैसे? ऐसे कि उस गंवार आदमी को फिर कोई वकील मिल जाएगा और वो तेज तर्रार वकील अपना फ़ायदे के लिए उसको इतना बुलेट प्रूफ तेज बना देगा उस गंवार को कि आपका पसीना छुड़ा देगा। बस यही फंडा पूरे वर्ल्ड में चल रहा है कि जो विकसित देश है, जैसे अपना इंडिया विकासशील है, तो जो विकसित देश है, जो खुद का हथियार तैयार कर रहा है, खुद की मेडिसिन तैयार कर रहा है, खुद का मोबाइल तैयार कर रहा है, खुद का सेटेलाइट तैयार कर रहा है, हर चीज़, वो बकरी से लेके एरोप्लेन और सेटेलाइट तक, हर चीज़ पे वो साइंस से दिमाग लगा रहा है, हर चीज़ को वो काफ़ी कॉस्टली वर्ल्ड में सेल कर रहा है, उसका साइंस पे काफ़ी पकड़ है, ऐसे देश आप सर्च करके देख लीजिए, आप समझ सकते हैं किसी देश का नाम बोलना डायरेक्ट दुश्मनी हो जाती है। तो वो ऐसे देश चाहते हैं कि ये गरीब गुरबा देश लड़े मरे, भुखमरी का शिकार हो, अधमरा हो जाए, मर जाए, इसकी लैंड खाली हो जाए, इसके पहाड़ खाली हो जाए और इस पे फिर हमारा कब्जा हो जाए और या फिर है ये हमारा हथियार सेल हो जाए। तो मरने वाले मरेंगे, गंवार गधे अधिक मरेंगे, जो तेज तर्रार है उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आप नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री चैनल है और हम आपको वर्ल्ड से रिलेटेड और भी नई नई खबर बताएंगे। तो दोस्तों कभी आप इस पे गौर कीजिए, क्या आपके बीच बच्चे हाईएस्ट एजुकेशन पा रहे हैं, क्या आप किसान हैं और परेशान हैं, क्या आपको कई समस्याओं नहीं हो रही है, क्या आप अच्छे क्वालिटी का खाना खा रहे हैं, क्या आप अच्छे क्वालिटी का पानी पी रहे हैं। आज के डेट में अब तक जो युद्ध हो रही थी वो पेट्रोल पे था कि पेट्रोल की समस्या को लेकर, पेट्रोल के लिए लोग मार कर रहे थे, लेकिन आने वाले समय में पानी के लिए भी मार करेंगे, यानी स्थिति यह हो जाएगी कि पानी के लिए भी लड़ाई चालू हो जाएगी और कई जगह चालू भी हो चुके हैं। तो दोस्तों एजुकेशन, अच्छे पानी, अच्छा खाना, ये सब के सब यूरोप के लोग काफ़ी हाईएस्ट क्वालिटी के खाते हैं, हम लोग हर चीज़ को खा जाते हैं, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश से, दोस्तों आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं, अपने देश में कई जगह से दूर दराज से मछलियाँ आ जाती है 10-15 दिन के बाद, उसमें एक फॉर्मेलिन नाम का गैस डाल दिया जाता है और उस मछली को खाने के बाद इंसान को कैंसर हो जाता है। हमारे देश में ये धड़ल्ले से खा रहे हैं, नकली मिलावट का सरसों तेल खा रहे हैं, नकली मिलावट के हर सब्जी खा रहे हैं, नकली मिलावट का मसाले खा रहे हैं, ये सब चीज़ खा रहे हैं। क्या ये अच्छे क्वालिटी का होता है? यहाँ क्वालिटी चेक नाम का कुछ है? लेकिन आप यूरोप में देखेंगे तो वहाँ हर चीज़ को चेक करने के बाद खाता है, यानी हर स्टैंडर्ड चीज़ को वो लोग खाते हैं, स्टैंडर्ड चीज़ पहनते हैं, स्टैंडर्ड कपड़े पहनते हैं, स्टैंडर्ड तरीके से जीते हैं। वहाँ के शिक्षक इंडिया घूमने आते हैं और कई कई कंट्री घूमने आते हैं, यहाँ के शिक्षक इतने भुखमरी के शिकार हैं कि हमेशा इनको किराना दुकान वाले भी देख करके कहता है देखो मास्टर वो आ रहा है, कहीं उधार न मांग ले, मूड़ी घुरा के पूजा करने लगते हैं। तो दोस्तों अपने देश में काफ़ी गरीबी है, काफ़ी अशिक्षा है, काफ़ी तरह का प्रॉब्लम है,
और हम लोगों को चाहिए कि साइंस के तरफ ध्यान लगाएं और बदलते दुनिया पर दिमाग लगाएं। ये नहीं कि हमारे पास बहुत बड़ा भूभाग है, हमारे बाप दादा की संपत्ति है, हमारे बाप दादा की ज़मीन है, बैठ के खा रहे हैं, फ्री का खा रहे हैं, फोकट का खा रहे हैं और ज़मींदार कहला रहे हैं। अब वो ज़माना गया ज़मीन का कीमत देने वाला। आज के ज़माना टेक्नोलॉजी पे है। आज के ज़माने में क्वालिटी का कीमत देखा जाता है, क्वांटिटी का नहीं। आप देखिए 56 देश मुस्लिम का है, लेकिन जब भी कोई मुस्लिम देश पे आक्रमण होता है तो उसकी हवा निकल जाती है, इसलिए क्योंकि उसके पास क्वालिटी नहीं है, बस क्वांटिटी है। और भी कुछ कंट्री है जिसकी क्वांटिटी क्वालिटी नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी है। एक मैंने आपको उदाहरण दिया, तो क्वालिटी पैदा होना चाहिए, साइंस पे रिसर्च होनी चाहिए। अब देखिए मुस्लिम लोग पढ़ते हैं कि माँ के गोद से लेकर कब्र की गोद तक एजुकेशन हासिल करो, लेकिन एजुकेशन का सिस्टम यह है कि ये सोचते हैं कि भाई नौकरी तो मिलता नहीं है तो क्या एजुकेशन लें। बाय द वे वैसे बहरहाल आप समझ सकते हैं, एजुकेशन से दूर भागते हैं लोग। तो एजुकेशन से दूर भागेगा तो हाई क्वालिटी का क्या होगा? अब विद्यालय में जा कर के खिचड़ी और थाली बर्तन कटोरा पकड़ के और अंडा और बिरयानी खाने के चक्कर में रहे और फल खाने के चक्कर में रहे, एजुकेशन को भूल जाए, एजुकेशन को छोड़ दे, तो फिर कैसे विकास होगा देश का? देश का विकास करने के लिए, देश को विकसित होने के लिए साइंस पे पूरी की पूरी नॉलेज दिमाग लगाना है कि यूरोप कितना तरक्की कर गया, हम इतने पीछे क्यों हैं, हमारी साइंस इतनी पीछे क्यों है, हम हर चीज़ विदेश से क्यों मंगाने के सोचते हैं, हम सिर्फ किसान होकर क्यों रह गए हैं। अब किसान की टेक्नोलॉजी भी अदर कंट्री में बहुत हाईएस्ट लेवल पे करती है, वो कम ज़मीन पे बहुत ज़्यादा फसल उगा लेते हैं। हम लोग एक बीघा ज़मीन में जितना फसल उगाते हैं, 100 बीघा ज़मीन में जितना फसल उगाते हैं, दूसरे देश जो विकसित देश है वो एक बीघा में उतना ज़मीन फसल उगा लेते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है? तो दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लीजिए, कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, युद्ध लड़ने से पहले लोगों को चाहिए कि हम लोग किस तरह का गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, उन पे ध्यान दे, चाहे आप किसी भी कंट्री का हो। उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट बॉक्स पर अपना विचार व्यक्त कीजिए, और मैं आखिर में अपने लाखों सब्सक्राइबर को तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ, थैंक्स बोलता हूँ, शुक्रिया बोलता हूँ। आपका दिन शुभ रहे।